अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पकवानी कोठी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेंगलुरु की एक फेमस डिश बल्लर और गोश्त, जो कि सर्दियों में बहुत ज्यादा हर एक घर में बनती है। ये बल्लर और गोश्त की रेसिपी बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है और टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत हेल्थी भी होती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलो आज की मजेदार बल्लर और गोश्त की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये बल्लर 1 किलो लिए हैं, जिसको मैंने छील कर रख लिया है और ये देखने में कुछ इस तरह के लगते हैं। मसालों में हम लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 दालचीनी, 1 छोटी सी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 छोटी प्याज कटी हुई, 1/2 बंच सोया, 1/2 बंच मेथी और 1/2 बंच लिया है मैंने यहाँ हरा धनिया। सोया और मेथी को कट कर साइड में रख लेंगे। हरा धनिया और इन मसालों को हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है ये 1/2 किलो मटन है, जिसको मैंने वॉश करके रख लिया है, 1 बड़ा टमाटर जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, और 1 प्याज स्लाइस कटी हुई, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर नारियल लूंगी। तो चलो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1 छोटा प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पर गरम करने के लिए रख दिया है, साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी बॉईल कर रही हूँ। कुकर अच्छे से गरम हो चुका है, ये देखिए इधर बिल्ली भी आ गई है, कुछ मांग रही है खाने के लिए। बिल्ली को मैंने बहुत देर से हटाया है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है, बैठी हुई है यहीं पर। ये देखो कितनी देर से इधर ही बैठ गई है। बिल्ली को यहीं पर बैठे रहने देंगे, हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। प्रेशर कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे ये कटी हुई प्याज। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। जब तक ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन होते रहेगी, मैं बताऊंगी ये जो बचे हुए बल्लर इसको भी हम छील लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये निकलते हैं, बहुत ही आसानी से इसको हम छील सकते हैं। अगर बल्लर अच्छी है तो इसको सिर्फ नमक डाल के बॉईल करके भी खा सकते हैं। बल्लर को मैंने सारी छील ली है, इसको हम डाल देते हैं एक बड़े से बाउल में। यहाँ पर यह ऑनियन भी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप चाहे तो जिंजर और गार्लिक को मसालों के साथ डालकर पीस भी सकते हैं। अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर को जब भूनते हैं तो इसका मैंने फ्लेम कम कर दिया है ताकि मिर्ची हमारी जले नहीं। अच्छे से इसको भून लेंगे 1 मिनट तक। अदरक लहसुन और मसाले थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे मटन। मटन को हम डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छा कुक कर लेंगे। मटन मसालों के साथ अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे यह हरा मसाला, जिसमें मैंने डाला है प्याज, हरा धनिया, साबुत धनिया, लौंग, इलायची और चक्का। हरा मसाले को गोश्त के साथ अच्छे से पकाएंगे। ये बल्लर और गोश्त का सालन बड़े मजे का बनता है, आपको ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। खाने में बड़े मजे की बनती है, प्लेन राइस के साथ, खिचड़ी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और बनाना भी इसे बहुत आसान है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, और साथ ही डाल देंगे ये सोया और मेथी, जिसको मैंने कट करके रख लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक इसको भी कुक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डाल देते हैं 2 कप पानी। पानी को डालकर एक बार अच्छे से चला देंगे और इसे ढककर 4 से 5 विशल आने तक कुक कर लेंगे, जब तक कि हमारा ये गोश्त जो है अच्छे से गल ना जाए। जब तक ये कुक होते रहेगा, यहाँ पर मैंने ये जो पानी बॉईल किया था ये इसमें बल्लर में डाल रही हूँ, और इसको ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए रख देंगे। मैंने 5 से 6 विशल आने तक इसको कुक होने दिया है, और साथ ही मैंने ये जो हमने बनाए थे इसको मैंने सारे छील लिया है। सिर्फ ये मैंने आपको बताने के लिए थोड़े से रखी हूँ। ये इस तरह से प्रेस करेंगे तो इसके सारे छिलके उतर जाएंगे, और बहुत जल्दी इसके सारे छिलके उतरते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ नजर आएंगे ये। अब मटन को भी साथ में चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से गल चुका है, अच्छे से मटन गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने छील के रखी है बल्लर, साथ ही ये है नारियल और टमाटर, जिसको मैंने पेस्ट कर लिया है, इसको भी हम साथ में डाल देंगे।
साथ में डालकर अच्छे से चला देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी देख के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उतना आप पानी डालेंगे, फिर इसको ढककर पकाएंगे। मैंने इसकी विशल नहीं लगाई है, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको 10 मिनट तक कुक किया है। ये हमारी बल्लर की कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही मजे की और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। आप इसको प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं या तो फिर आप इसे खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।